Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 11. In the last lecture we discussed transmission media. कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया को क्यों यूज़ किया जाता है. उसमें हमने गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया दोनों को डिस्कस किया था. फिर हमने अपनी कोएक्सियल केबल देखी थी. कोएक्सियल केबल के बाद ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर की टाइप्स देखी थी. उसमें एसटीपी था, यूटीपी था. फिर हमने अपनी फाइबर ऑप्टिक्स केबल देखी थी. फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर हमने देखा था कि सिंगल मोड फाइबर था, उसमें मल्टी मोड फाइबर था. ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट टाइम देखी थी. फिर हमने वायरलेस में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसमें माइक्रोवेव है, उसमें वायरलेस है. फिर हमने ये देखा था कि इंफ्रारेड कम्युनिकेशन क्या होती है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल थी. तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में अपना ये कंसेप्ट जो है क्लियर किया था कि वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है. वायर्ड कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ करनी चाहिए, वायरलेस कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ करनी चाहिए. वायर्ड में हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ बेताशा हैं, लेकिन हम सारी की सारी टाइप्स जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते. क्या हम कहें कि हमारे पास जितनी भी टाइप्स हैं वो हम सारी की सारी जो है वो यूज़ कर सकें. हमने अपनी नीड्स देखनी है, हमने अपनी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि हमारा जो नेटवर्क है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उस नेटवर्क के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं कि भी नहीं है, ठीक है. अब आप फाइबर ऑप्टिक्स है तो बहुत अच्छी, लेकिन अगर आपका क्लाइंट जो है वो उसकी रेंज में नहीं है, वो अगर उसकी जो कास्टिंग जो उसका बजट है, अगर उस बजट में उसको फाइबर ऑप्टिक्स वाली वो केबल को जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, वो जो है उस चीज़ को उसकी रेंज से बाहर चली जाएगी. तो दैट्स वाई हमने ये भी देखना है कि सबसे पहले कि यूज़र की नीड्स क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसका बजट उसका क्या है, ठीक है, और क्या सर्विसेज भी अवेलेबल हैं. तो मीडिया चूज़ करते वक्त ये बड़े आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ये नहीं है कि आप बस ये मैंने वायरलेस यूज़ करना है, कि आपने ये भी देखना है कि जो आपके पास हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्या वो वायरलेस का एनवायरनमेंट बनता भी है कि नहीं है. क्या ऐसा तो नहीं है कि अब वो जो एरिया है वो एरिया आपका प्लेन एरिया ही नहीं है, वहाँ पर आपका वायरलेस नेटवर्क जो है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको वहाँ वायर्ड चूज़ करना चाहिए. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको पता होनी चाहिए. तो आज हमने लास्ट में हमने सारी इसकी जितनी भी थ्योरी थी वो हमने सारी की सारी डिस्कस की थी. आज हम उसी चैप्टर को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं कि उन केबल्स को बनाने के लिए, ठीक है, उस कुछ उसमें टेक्निकल टर्म्स थी जो रह गई थी. फिर आज हम जो है इसी क्लास के अंदर मैं वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर असेंबलेशन के, ठीक है, लेकिन मैंने एक जो सॉफ्टवेयर चूज़ किया है जिसमें हम जो हम यूज़ करेंगे अपने जो आपकी राउटिंग की लैब्स होंगी, जो स्विचिंग की लैब्स होंगी, जो वी लैन की लैब्स होंगी, जो आईपी ड्रेसिंग की लैब्स होंगी, उसके लिए सॉफ्टवेयर का नाम है पैकेट ट्रेसर, ठीक है. ये जो पैकेट ट्रेसर है ये वो सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर हम अपना रियल टाइम नेटवर्क एक किस्म का भी समझें कि जो है डिज़ाइन कर सकते हैं. जिस तरह आपका ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर होता है, आपका पेंट का सॉफ्टवेयर है, आप उसमें अपनी जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है डायग्राम्स को जो है ड्रा कर रहे होते हैं, अपनी पेंटिंग बना रहे होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं. तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये जो आपका है, ये ऑटोकैड की तरह जो है ये आपका पैकेट ट्रेसर है. इसमें जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी स्विचेज हैं, वो सारे आपको अवेलेबल हैं. आपको डिफरेंट टाइप की जो केबल्स हैं वो सारी की सारी आपको अवेलेबल हैं. कौन सी केबल आपने किस तरह कनेक्ट करनी है आपने, क्योंकि अब जो रियल नेटवर्क है उसमें जो मेन चीज़ सीखनी होती है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है. देखें, आपके पास एक स्टूडेंट है, उसके पास एक लैपटॉप है iCore 3, एक के पास 5 है, एक के पास 7 है, एक के पास iCore जो 3 है वो थर्ड जनरेशन है, एक के पास iCore 5 थर्ड जनरेशन है, 7 थर्ड जनरेशन है. यूज़ तो सबने विंडोज 7 करनी है या उस पर लिनक्स यूज़ करना है. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लर्निंग. तो यहाँ पे जो हमारे पास ये बात है कि राउटर जो है, हमने पहले क्लास में कहा था कि 1 लाख से लेकर इट्स अप टू 40 लाख, तो 1 लाख से 40 लाख तक आता है, लेकिन उसका जो मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है जो आपने सीखना है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने वो सीखना है. तो वो जो आपके पास जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है
वो किस तरह काम कर रहा है, ठीक है, कौन कौन सी उसके अंदर कमांड्स हैं, राउटिंग आपने आपने इनेबल किस तरह करनी है, स्विचिंग को आपने किस तरीके से इनेबल करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो आज इंशाअल्लाह हम सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करना आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, वो आज इंशाअल्लाह हम आज वाली क्लास में अपना सारा इंशाअल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो आज का लेक्चर है इट्स मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है। ये आपके पास हमने क्या कहा था, ISO, हमने फर्स्ट लेक्चर में फिर बताता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो जिस तरह टेलीफोन होते हैं, टेलीफोन में आपने देखा होगा जो आपकी केबल आ रही होती है उसमें 4 वायर्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम RJ11 कहते हैं। जो RJ आपकी 11 है वो आपके वो आपका एक टेलीफोन का कनेक्टर है जो आप अपने टेलीफोन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो आपका RJ11 है। इसी तरीके से जो आपके पास आपका जो आपका नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ पे आपका नेटवर्क कार्ड लग रहा होता है, जो आपके आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप में एक पोर्ट होती है जिसको, ठीक है, वो थोड़ी सी एक, अगर आपके बाद लैपटॉप में टेलीफोन वाली भी, क्योंकि आजकल तो हम मॉडेम यूज़ नहीं करते, लिहाजा RJ11 वाली जो पोर्ट है वो लैपटॉप से आस्ता आस्ता एब्सोल्यूट होती जा रही है। वो लैपटॉप्स में आजकल वो मॉडेम की पोर्ट नहीं दे रहे, वो डायरेक्ट RJ45 की पोर्ट दे रहे हैं। वो जो RJ45 वाली पोर्ट है उसमें 8 पिन्स होती हैं और वो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जो है यूज़ करने के लिए आपको वो पोर्ट दी जाती है। तो वो जो आपके पास RJ45 वाली पोर्ट है, वो पोर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, नेटवर्क कार्ड को लिंक करने के लिए। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये आपके डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, तो ये वो कनेक्टर है, ठीक है, जो RJ11 का थोड़ा सा छोटा होता है, और ये आप देख रहे हैं ये ईथरनेट, इसको क्या कहते हैं हम, ईथरनेट भी कहते हैं, ईथरनेट कनेक्टर कहते हैं, ठीक है, RJ45 कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब कुछ राउटर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एक राउटर का बैक एंड एरिया है, कि जो आपका राउटर है उसके बैक के ऊपर ये आप देख रहे हैं डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। बाज राउटर में ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, जहाँ पे मैं अपना अपना जो कर्सर है मेरा, जहाँ पे मैं इसको डबल लिंक कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर है, ठीक है, ये जो आपके पास RJ45 है, ठीक है। बास राउटर्स में जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें RJ45 वाला जो कनेक्टर था वो डायरेक्टली गिवन नहीं था, उसकी जगह जो पोर्ट थी उसको हम कहते हैं DB15। DB स्टैंड फॉर इट्स नॉट डेटाबेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और 15 मीन कि इसमें 15 डिफरेंट पिन्स हैं, डिफरेंट वोल्टेज लेवल है, ठीक है। इसको हम कहते थे AUI कनेक्टर, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, यानी जिन राउटर्स में RJ45 नहीं है वहाँ पे हम यूज़ करते थे DB15। फिर हमें एक ट्रांसीवर, एक टेक्निकल वर्ड होता है, जो ट्रांसीवर होता है वो जिस तरह आपका कन्वर्टर होता है, वो जो कन्वर्टर था, वो जो ट्रांसीवर था, उसके दो एंड से, वो जो आपके टू एंड से, ठीक है, वो आपके टू एंड्स कौन से थे, वो जो आपके टू एंड से, वो जो उनका जो वन एंड था वो आपके पास DB15 है, जो आपका यहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे, और दूसरे एंड पे आपको एग्जैक्टली ये RJ45 मिल जाएगा जिसमें आप अपनी केबल यूज़ करके नेटवर्क को लिंक कर लेंगे, नेटवर्क को आप इसमें जो है कनेक्ट कर लेंगे। तो अब आपने जिन राउटर्स में, जिन स्विचेज में आपके पास RJ45 की डायरेक्ट पोर्ट है वहाँ पे तो आपने वो उसको यूज़ कर लिया, और जिन राउटर्स में या स्विचेस में आपके पास डायरेक्ट पोर्ट नहीं है वहाँ पे आप जो डिवाइस यूज़ करेंगे वो आपके पास ट्रांसीवर होगा। वो जो ट्रांसीवर होगा उसका वन एंड होगा DB15, यानी उसमें 15 पिन्स होंगी, और दूसरे एंड के ऊपर क्या होगा, दूसरे एंड में उसमें RJ45 होगा जो आप उसको लिंक करेंगे और आप इसमें कम्युनिकेट करवाएंगे। तो दूसरे एंड पे जो आप यूज़ करेंगे वो RJ45 यूज़ करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास फाइबर कनेक्टर पोर्ट है, ये हमने जो हमने लास्ट लेक्चर में याद होगा TS, TX, RX देखा था, ये वो पोर्ट्स हैं जहाँ मैंने आपको कहा था हम नेक्स्ट टाइम आपको मैं ये बताऊँगा, ये वो पोर्ट है जो आपकी TX पोर्ट है, ये आपके पास RX पोर्ट है, और ये आपके साथ देख रहे हैं ये 10/100 मेगाबिट्स फास्ट, देखें जो आपका इथरनेट है वो 10 मेगाबिट्स का भी होता है, 100 मेगाबिट्स का भी होता है, वो 1000 मेगाबिट्स का भी होता है, ठीक है, आजकल लेटेस्ट 10 गीगाबिट्स तक भी आ चुके हैं, ठीक है।
तो ये सारी की सारी आपकी डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये RJ45 हैं, ये आपकी डिफरेंट पोर्ट्स हैं। तो ये वो आपके पास एक प्रैक्टिकल जो राउटर का बैक एंड होता है, आप उसमें देख रहे हैं RJ11 भी है, RJ45 भी है, जिनमें RJ45 डायरेक्ट नहीं है वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है, DB15 यूज़ करते हैं जिसको ट्रांसीवर कहते हैं, जो आपका वन एंड होता है DB15, और जो दूसरा एंड होता है वो होता है आपके पास RJ45। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो आपके पास चीज़ें हैं इन तमाम को आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम आज जो हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसमें भी आपको मैं सारे ये बताऊंगा कि ये कनेक्टर कौन सा है, ये कनेक्टर कौन सा है, आप इसको किस तरीके से आपने कैसे यूज़ करना है। तो ये आपके पास आप देख रहे हैं कि ये अब हम आ जाते हैं केबल की तरफ, ये वो RJ45 कनेक्टर है। हमने लास्ट टाइम जो अपनी ट्विस्टेड पेयर केबल पड़ी थी तो मैंने क्या कहा था कि एक आपके पास UTP होती है और एक आपके पास STP होती है। ये जो आपके पास आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है ये आपकी UTP है, ये जो आपके पास यहाँ पे UTP है जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ये जो अनशील्डेड आपकी ट्विस्टेड पेयर है इसमें आप देख रहे हैं कि हमने कहा था उसमें 8 वायर्स होती हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन, याद होगा आपको। ये आपके पास जो है डॉटेड डॉटेड इट्स अ वाइट ऑरेंज देन ऑरेंज, वाइट ब्लू देन ब्लू, वाइट ग्रीन देन ग्रीन, वाइट ब्राउन देन ब्राउन। तो अभी देखें यहाँ से आप अगर इनकी नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये RJ45 कनेक्टर है, इसमें आपकी 8 वायर्स होती हैं, 8 पिन्स होती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास हम यहाँ लिख रहे हैं पिन 1, 2, ये भी हम बाद में बात करते हैं कि T फॉर ट्रांसमिशन, R फॉर रिसीविंग, ये भी हम देखते हैं कि पे 3 T2 से यहाँ पे इसका क्या मतलब है, पे 3 R2 से क्या मतलब है, पे 2 T3 से क्या मतलब है, एंड सो ऑन, पे 4 R4 से क्या मतलब है, ठीक है। T इज टिप, R इज रिंग, ठीक है। लेकिन अभी हम इन दोनों को देखते हैं कि टिपिंग और आपकी जो रिंगिंग होती है वो कहाँ यूज़ होती है और किस तरह यूज़ होती है। तो अभी आप फिलहाल इस कंसेप्ट को समझें कि जो आपके पास RJ45 का जो आपका कनेक्टर है उसमें आपके पास टोटल 8 वायर्स होती हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन, ये आपका RJ45 का कनेक्टर है। अब जो आपके पास जो केबल्स होती हैं, जब हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं, जो हम अपने नेटवर्क में यूज़ करते हैं UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये दो तरह की होती हैं। एक तो आपकी स्टेट केबल होती है और एक आपकी क्रॉस केबल होती है। अब स्टेट और क्रॉस के अंदर पहले तो हम ये डिफरेंस समझ लें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि जो आपकी स्टेट केबल है और जो आपकी क्रॉस केबल है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो आपकी स्टेट केबल है, स्टेट केबल आपकी वो आप तब यूज़ करते हैं कि जब आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हों, लाइक PC2 स्विच, एक एंड पे स्विच है, एक एंड पे PC है, PC2 हब, एक साइड पे हब है, एक साइड पे PC है, ठीक है। तो जब भी आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, PC2 स्विच, PC2 हब, PC2 ब्रिज, PC2 राउटर, वहाँ पे आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी स्टेट केबल। लेकिन जहाँ पे आपके पास सेम डिवाइसेस हैं, लाइक between 2 PCs, between 2 switches, between 2 hubs, तो अब ये 2 switches आ गए, 2 routers आ गए, 2 PCs आ गए, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं अपनी क्रॉस केबल यूज़ करते हैं। ये जो आपके पास जो आपकी क्रॉस केबल होती है, कि जो आपके पास जो स्टेट केबल है वो बिटवीन जो आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, PC2 स्विच, PC2 हब, PC2 राउटर, वहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर रहे होते हैं स्टेट केबल। जहाँ पे आपके पास सेम डिवाइसेस हैं, ठीक है, लाइक 2 स्विचेज हैं, 2 PCs हैं, 2 hubs हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर रहे होते हैं क्रॉस केबल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब स्टेट और क्रॉस केबल बनती किस तरह है वो हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये आपकी स्टेट थ्रू केबल है, कि ये जो हमने कहा था कि ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, तो ये जो आपके पास देख रहे हैं कि ये जो ये आपके पास ये फर्स्ट पेयर है, यहाँ पे भी सेम वही फर्स्ट पेयर आ रहा है। ये आपके पास यहाँ पे दूसरा ग्रीन पेयर है, ये भी दूसरा ग्रीन पेयर आ रहा है। तीसरा ये वाइट ऑरेंज है, यहाँ पे तीसरा वाइट ऑरेंज आ रहा है। चौथा यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू आ रहा है। पाँचवा यहाँ पे जो आ रहा है वो पाँचवा यहाँ पे आ रहा है। छठा जो यहाँ पे आ रहा है वो ऑरेंज आ रहा है, और 8 ब्राउन। तो दोनों एंड के ऊपर जो केबल का सीक्वेंस है वो सेम रहेगा दोनों एंड के ऊपर। अगर यहाँ पे पहले
वाइट ग्रीन है तो वहां पर भी वही होगी, यहाँ पे अगर ब्लू है तो वहां पर भी वही होगी। तो ये जो दोनों एंड का सीक्वेंस है वो सेम होगा, यानी वन टू जो वन पेयर होगा दूसरे एंड पे वन पेयर होगा, जो टू पेयर होगा वो दूसरे एंड पे टू पेयर होगा, जो थ्री पेयर होगा वो दूसरे एंड पे थ्री पेयर होगा। तो दोनों एंड के ऊपर जब आपकी वायर सेम है तो हम उसको स्ट्रेट थ्रू केबल कहते हैं, वो आपके पास जो स्ट्रेट थ्रू केबल है। और जो आपकी क्रॉस केबल है, ठीक है, अब ये जो आपकी क्रॉस केबल बनती है वो क्रॉस केबल क्या बनती है कि जब आप दोनों एंड के ऊपर, अब ये देखें, वन टू वन, टू टू टू, थ्री टू थ्री, फोर टू फोर, ये आर डी आपका रिसीविंग डाटा है, टी डी आपका ट्रांसमिशन डाटा है, और ये फोर नल केबल्स हैं। बेसिकली इन एट केबल्स के अंदर जो आपकी वर्किंग वाली केबल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोर होती हैं, जो केबल्स आपकी एक्चुअल रियल टाइम पे काम कर रही हैं, दैट इज वन टू। अब ये देखें, अगर आप यहाँ देखें, इट्स वन टू थ्री एंड सिक्स, ये जो चार केबल हैं, ठीक है, जिसमें आपकी वन हो गई, टू हो गई, थ्री हो गई, सिक्स हो गई, ये फोर केबल्स तो आपकी वर्किंग है, बाकी सारी जो ये आप देख रहे हैं इसमें एन सी आर है, एन सी आर है, एन सी आर है, एन सी आर है, ये चारों की चारों आपकी नल केबल्स हैं। अब नल केबल में जो आपकी एनसी केबल्स हैं, ये जो आपकी नल केबल्स हैं, जिस तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी में दो केबल्स होती हैं, एक रेड है, एक ब्लैक है, ठीक है, रेड के अंदर आपका एक्चुअल जो होता है करंट होता है, और जो ब्लैक केबल है वो सर्किट कंप्लीशन के लिए चल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं या डाटा रिसीव कर रहे होते हैं वो जो है वन टू थ्री सिक्स पे कर रहे होते हैं, बाकी सारी सारी नल केबल्स हैं। तो स्टेट केबल की आपको बात समझ आ गई कि यहाँ पे जो आपके पेयर्स बनेंगे वन टू वन, यानी ऑरेंज के साथ ऑरेंज ही होगी, ब्लू के साथ ब्लू ही होगी, ग्रीन के साथ ग्रीन ही होगी, और ब्राउन के, यानी ये जो आपके डिफरेंट कलर्स हैं सेम कलर दूसरे एंड पे, अगर ये आपका एक पीसी वन पे है, ये पीसी टू में केबल लग रही है, तो जो आपकी यहाँ पे सीक्वेंस था इन वायर्स को आपस में लिंक करने का, कंबाइन करने का, दैट शुड बी सेम ऑन द सेंडर एंड रिसीविंग एंड, देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं इट्स अवर स्टेट। अब सेकंड आपके पास आ गई है जो है इट्स अ क्रॉस ओवर केबल। देखिए जो आपके पास जो क्रॉस ओवर केबल है, आप क्रॉस ओवर केबल में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम क्या करते हैं। क्रॉस ओवर केबल में जो यहाँ की फर्स्ट केबल है वो दूसरे एंड पे थर्ड के साथ लिंक होगी। अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि फर्स्ट आपकी ऑरेंज है, थर्ड एंड पे वो ऑरेंज के साथ लिंक नहीं होगी, जो उसका थर्ड पेयर बनता है वो वहाँ पे थर्ड के साथ लिंक होगी। यहाँ पे अगर वो सेकंड के साथ लिंक है तो दूसरे एंड के ऊपर वो सिक्स के साथ लिंक होगी। बाकी सारी की सारी अभी देखें कि ये यहाँ पे जो जो थर्ड केबल है इसको हमने लिंक कर दिया वन के साथ, और जो टू है वो उसको सिक्स के साथ लिंक कर दिया, और वाइस वर्सा, बाकी सारी की सारी, यानी वन थ्री और टू सिक्स, और फिर इसी तरह सिक्स टू के साथ और थ्री वन के साथ होगी, यानी वाइस वर्सा हो जाएंगी। जब हम ये कम्बिनेशन चेंज कर देते हैं तो इसको हम क्रॉस केबल कहते हैं, इसको हम क्रॉस केबल कहते हैं। तो जो आपकी स्टेट केबल थी उसके अंदर क्या था कि हम वन के साथ वन, टू के साथ टू, थ्री के साथ थ्री, एंड सो ऑन, एट के साथ एट। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे क्रॉस केबल बन रही है, क्रॉस केबल के अंदर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके पास कि यहाँ पे अगर आपका वन एंड है, दूसरे एंड पे थ्री एंड है, टू है तो सिक्स है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी जो कन्फिग्रेशन है वो सेम रहेगी। हम दो केबल की कन्फिग्रेशन को चेंज कर रहे हैं। जब वन थ्री के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एंड का थ्री यहाँ पे वन के साथ लगेगा, जब आप यहाँ पे टू को सिक्स के साथ कर रहे हैं तो दूसरे एंड का जो सिक्स है वो यहाँ पे टू के साथ लिंक होगा। बाकी आपकी जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो सारी की सारी आपकी सेम रहेगी। तो जो हमारे पास क्रॉस ओवर केबल है, ठीक है, ये हम तब यूज़ करते हैं कि जब हम सेम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक वी हैव टू पीसीज, वी हैव टू स्विचेस, वी हैव टू ब्रिजेस। तो जब आप सेम डिवाइसेस यूज़ करते हैं इन दैट केस, ठीक है, आप अपनी जो है क्रॉस केबल यूज़ करते हैं। जब आप अपने पास आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं लाइक पीसी टू स्विच, पीसी टू हब, पीसी टू ब्रिज, तो फिर आप क्या चीज़ उसमें यूज़ करते हैं, फिर आप उसमें यूज़ करते हैं अपनी स्टेट केबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि स्टेट केबल कहाँ यूज़ करते हैं और हम अपनी क्रॉस केबल कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये सारी सारे आप देख रहे हैं कि ये आर डी, ये आपका रिसीविंग डाटा, ये ठीक है, ये भी आपका
आपका रिसीविंग डेटा, ट्रांसमिशन डेटा, नल केबल, नल केबल, ट्रांसमिशन डेटा, नल केबल, नल केबल एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक स्विच है, ये आपके पास दूसरा है, और ये आपके पास उस केबल की, ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है उस केबल की जो क्रॉस ओवर की कॉन्फ़िगरेशन है कि वन के साथ आपने क्या लिंक किया, टू के साथ आपने क्या लिंक किया, थ्री के साथ आपने क्या लिंक किया, ये आपके पास उस पूरे क्रॉस केबल का जो कनेक्शन आप देख रहे हैं कि हमें जो सम वायर्स ऑन केबल एंड ऑन क्रॉस्ड, यानी कुछ वायर्स का जो केबल है वो हमने उनको क्रॉस कर दिया, उनको चेंज कर दिया, जिस वजह से आप उसको क्या कहते हैं कि वो आपके पास जो है क्रॉस ओवर केबल बन गई। ठीक है जी, अब हम ये एक रियल टाइम डायग्राम है केबलिंग द कैंपस, आपके पास एक कैंपस नेटवर्क है, हम उसको केबलिंग करें तो डिटरमाइन द फिजिकल मीडिया यूज, या 10 मेगाबिट्स हम इस डायग्राम में यूज़ कर रहे हैं, ये या हम यूज़ कर रहे हैं 100 मेगाबिट्स। इंडिकेट्स व्हाट कैटेगरी ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये अगर आपको इस तरह का पेपर में या मिड टर्म में क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे साथ ये चीज़ें मेंशन ना हो, आपसे कहा जाए कि इनकी केबलिंग करें, तो लोकेटिंग इंटरफेसेस ऑन द चेसेस डिटरमाइन इफ वन आर बोथ 4.7x, इंडिकेट इफ यू नीड क्रॉस ओवर और स्टेट थ्रू केबल। आप ये देखें, ये जो सिंबल है, पहले तो हमने इनको देख लें, सिंबल को देख लें कि जो आपके पास ये सिंबल है, ये सिंबल आपके, ठीक है, ये सिंबल आपके राउटर का सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल आपके मल्टीलेयर स्विच का सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल आपके स्विच का है, ये आपके सर्वर्स हैं, ये सिंबल आपका डिवाइस हब है, और ये आपके सिस्टम्स हैं, ये आपके पीसीज हैं। अब हम उस रूल को फॉलो करते हैं, आप देखें ये डिवाइस हब है और ये पीसीज हैं, तो हमने क्या कहा था कि जब आपकी डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, लाइक ये पीसी है और ये आपके पास डिवाइस हब है, तो आप कौन सी केबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्टेट केबल यूज़ करेंगे क्योंकि आप अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट, जब आपके पास स्विच और आपके पास जो है दूसरे एंड पे हब है, तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि इन दोनों का बिहेवियर सेम है, बेसिकली आपको देखने में डिवाइसेस डिफरेंस लग रही हैं लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो सेम है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस केबल यूज़ कर रहे हैं, ये आपका मल्टीलेयर स्विच है, भी आपका स्विच है, स्विच और मल्टीलेयर स्विच, फिर आपके दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी क्रॉस केबल यूज़ कर रहे हैं, स्विच और राउटर दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट यूज़ कर रहे हैं, सर्वर्स या कंप्यूटर्स जो आपके, और ये आपके पास जो मल्टीलेयर स्विच है, ये दो आपके पास डिफरेंट डिवाइसेज हैं, तो यहाँ पर आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसमें स्टेट थ्रू केबल यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये वही थम ऑफ रूल है कि जब हमने अभी जो पीछे बात की थी, ये आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में जब अपने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप की बताई थी कि इसमें कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये हमने सारी उसमें लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अब ये देखें कि थम ऑफ रूल क्या है कि जब आपकी सेम डिवाइसेस हैं तो आप सेम डिवाइसेस में क्या करते हैं, सिंपल क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते हैं, जब डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, उसमें आप वहाँ पे स्टेट केबल यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ गई, वैन फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेशन, वाइड, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको ये बात बताई थी कि जितनी भी केबल्स काम करती हैं, जितना भी मीडिया आपका काम कर रहा होता है, वो सारे का सारा आपका फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है, यानी आपके पास जितनी भी केबल्स हैं वो सारी की सारी, चाहे आपको उस केबल का नाम पता है नहीं पता, जितने भी कनेक्टर्स हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं, वो सारे के सारे आपके फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेशन वेरी, केबल स्पेसिफिकेशन डिफाइन स्पीड अपलिंक। अब जो आपकी डिफरेंट टाइप की केबल्स हैं वो आपकी स्पीड जो है, जो आपकी लिंक की स्पीड है, वो उनके साथ जो है डिफाइन होता है। आप जैसे हम बात करते हैं HDLC हाई डाटा लिंक कंट्रोल, दूसरे नाम के आपके पास क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, ये आपका फ्रेमवर्क लेयर है, तो इसकी टाइप, ये तीन डिफरेंट वैन प्रोटोकॉल्स हैं, ये तीनों आपके पास जो HDLC है, हाई डाटा लिंक कंट्रोल, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, थर्ड आपका फ्रेम रिले है, ये तीनों के तीनों डिफरेंट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या क्या चीज़ यूज
करते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड को ये यूज करते हैं, ठीक है, इनको भी हम डिस्कस करते हैं. अब ये देखें EIA/TIA-232, EIA/TIA, ठीक है, 449, X.21, .V.24, V.35, HSSI, ये सारी की सारी आपकी डिफरेंट जो है वैन पोर्ट्स हैं. अब इन तमाम को जो है यूज करने के लिए, लिंक करने के लिए, साथ आप देख रहे हैं ISDN, BRI with PPP, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, ये भी आपके पास एक वैन का प्रोटोकॉल है. साथ हम इसमें दो पोर्ट्स होती हैं, एक PRI होती है, एक आपके पास BRI होती है. जो आपके पास PRI होती है, इट स्टैंड फॉर प्राइमरी रेट इंटरफेस, और जो आपके पास BRI होती है, बेसिक रेट इंटरफेस. तो ये जो आपके पास HDLC है और ये दूसरा जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आपका HDLC है, ये आप का भी वैन के प्रोटोकॉल है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के जो है, ये आपके पास जो PPP है, आपने अक्सर देखा होगा, जब हम अपने किसी ज़माने में अपना डायलैप कनेक्शन यूज़ करते थे, तो जो आपका हमारा कनेक्शन सर्विस होता था, वहाँ पे नीचे अगर आप उस पर डबल क्लिक करके देखते, तो वहाँ पे आपको शो हो रहा होता था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो अब ऐसा नहीं है, अगर आपका राउटर है, वो जो आपकी डिवाइस है, जो आपकी मेन डिवाइस है, वो अगर आपके फ्रेम रिले को सपोर्ट ही नहीं करती, तो डेफिनेटली फिर तो आप अपना फ्रेम रिले वहाँ यूज़ नहीं कर सकते. मैंने आपको ये शुरू में वही बात बताई थी कि जो आपके पास नेटवर्क डिज़ाइनिंग है, आपने ये भी देखना है कि वो किस प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, और क्या आपकी डिवाइस क्या उस चीज़ को सपोर्ट करती भी है कि नहीं करती. अब जिस तरह आपके पास फिजिकल लेयर की इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास फिजिकल लेयर की इम्प्लीमेंटेशन है, अब उसके अंदर क्या है कि ये आपकी फर्स्ट लेयर है जो आपके पास जो है फिजिकल लेयर है, ठीक है. अब वहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये एक राउटर है, आपके पास कनेक्शन भी है, लेकिन पता चलता है यानी उस कंट्री में आपके पास जो है फ्रेम रिले की सर्विस भी है, आपके पास राउटर भी है, लेकिन जब आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि इसमें तो फ्रेम रिले की पोर्ट ही नहीं है, यानी आप इसके ऊपर फ्रेम रिले तो एक्टिवेट ही नहीं कर सकते, ठीक है. तो हमने ये भी देखना होता है कि वो जो आपका फिजिकल हार्डवेयर है, क्या उसकी कंपेटेबिलिटी भी है कि नहीं है. अगर उसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसमें वो पोर्ट ही नहीं है, अगर पोर्ट है, डिवाइस है, सर्विस नहीं है, तब भी बेकार है आपके पास. तो आप सारी चीज़ें देखेंगे ना कि पोर्ट भी होनी चाहिए, सर्विस भी होनी चाहिए, डिवाइस भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें देखनी है आपने. तो जो आपके पास RJ45 है, पिन आउट्स आर डिफरेंट फ्राम RJ45 यूज इन कैंपस. यहाँ पे जो ये RJ45 है, ये थोड़ा सा डिफर है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या डिफर है. तो जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है, इसमें जो PRI रेट होता है, वो आपके प्राइमरी रेट इंटरफेस होता है, और जो आपके पास BRI रेट होता है, वो आपके पास बेसिक रेट इंटरफेस होता है. बेसिकली जब अब तो जो दौर आ गया है DSL का आ गया, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन का आ गया, आप में से बहुत से लोगों ने शायद मॉडम यूज़ ही ना किया हो, ठीक है, लेकिन अगर आप 96 से लेकर, ठीक है, 2003-04 इवन 5-6 तक देखें, तो आपके पास जितनी भी कम्युनिकेशन थी, वो सारी की सारी आपकी डायलैप कम्युनिकेशन थी, ठीक है. तो डायलैप कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता था कि आपके पास एक डिवाइस होती थी, ठीक है, मॉडेम, जो आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता था, वो डिवाइस आप अपने सिस्टम के साथ लगाते थे, अपना कार्ड जो है स्क्रैच करके उसमें यूजर नेम और पासवर्ड देते थे, उसको डायल करते थे, तो आपको बड़ी लिमिटेड सी स्पीड मिलती थी. आप बड़ी मुश्किल से अपनी मेल चेक करते करते आपको 10-12 मिनट लग जाते थे, जी मैंने मेल चेक कर ली है. तो अब नाउडेज अभी आप कुछ सेकेंड्स की में, कुछ क्लिक्स में आप मेल चेक भी कर लेते हैं, डाउनलोडिंग भी कर लेते हैं. वाई? बिकॉज आपकी बैंडविड्थ बेहतर हो गई है, ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनका कोई एंड नहीं है, डे बाय डे हर चीज़ बेहतर होती जा रही है. डेफिनेटली आपके पास जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, आप उतना ही बेहतर जो आपका नेटवर्क है, आप उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी सर्विसेज को जो है बेहतर तरीके से अपने नेटवर्क के ऊपर आप उन तमाम सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं. तो ये जो डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्विसेज हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइसेज की क्या पावर है, ठीक है. अगर आपके पास आप
Pentium 2 है और आप कहें जी मैंने इस पे विंडोज 8 रन करनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि विंडोज 8 के लिए सर्टन देर आर सर्टन नीड, देर आर सर्टन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कि आपको इतनी रैम चाहिए, आपका प्रोसेसर इतना होना चाहिए, आपकी हार्ड डिस्क में इतनी स्पेस होनी चाहिए। तो ये यानी ये जो आपका जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है, ये आपके आपस में एक ट्राइंगल है। जब तक ये सारी डिवाइसेज ये चीज़ें आपस में अगर इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं होगी तो आपको मैक्सिमम जो जो आपके नेटवर्क में जो आपको मैक्सिमम थ्रूपुट है वो नहीं मिल सकती। अब मैक्सिमम थ्रूपुट गेन करने के लिए आपको ये जो ट्राइंगल है ये मैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हम देखेंगे जो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो बता रहा था कि फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेशन वेरी, ये वेरी करती है। देखें मैंने बात बताई ना आपको कि अगर HDLC है तो उसका अपना उसकी अपनी डिवाइस होगी, उसका अपना प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। अगर आपके पास जो है आप ISDN है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपके पास फ्रेम रिले है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, DSL है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ये जितनी जितनी है फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेशन वेरी वो वेरी करती है, ठीक है। केबल स्पेसिफिकेशन डिफाइंस स्पीड ऑफ लिंक, अगर मेरे पास केबल जो है वो कैटेगरी 5 की है और मेरा जो इंटरफेस कार्ड है वो 1000 megabits का है तो मैं 1000 megabits की स्पीड तो गेट कर नहीं सकता, क्योंकि कैटेगरी 5 जो मुझे मैक्सिमम थ्रूपुट देगी वो 100 megabits per second है। तो अब या तो मैं अपनी केबल को चेंज करूं या जो मुझे नेटवर्क के ऊपर मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगी या मैक्सिमम जो स्पीड मिलेगी वो 100 megabits मिलेगी। तो हमने ये चीज़ भी देखनी होती है कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, जो आपकी मैचिंग है वो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जो है वो आपने 10 MB बैंडविड्थ ले ली, ठीक है, लेकिन जो आपकी मशीन है वो 2 MB से ज़्यादा को यूज़ नहीं कर सकती, तो बाकी दो बाकी क्या होगा, वो आपकी सारी की सारी जो है वो वेस्टेज में चली जाएगी। तो जो आपकी केबल की स्पेसिफिकेशन है वो भी जो आपका लिंक होता है स्पीड का वो उसके साथ जो है डिपेंड कर रहा होता है। ये अब आपकी पास यहाँ पे जो है ये दो वैन जो सीरियल कनेक्शन होते हैं, ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल आपके राउटर का सिंबल है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है, ठीक है, एक DTE और DCE का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। जो आपके पास DTE और जो DCE है, DTE स्टैंड फॉर डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और DCE स्टैंड फॉर बास बुक्स में इसको डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी कहा जाता है, बास लिटरेचर सर्वे में इसको डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट भी कहा जाता है। दोनों नाम ठीक है, ठीक है, DC स्टैंड फॉर डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या DCE स्टैंड फॉर डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। तो ये जो DTE एंड है ये आपका जब भी बनता है, ये जो आपका यूजर एंड होता है, जो आपका यूजर एंड है उस एंड को हम DTE एंड कहते हैं, ठीक है, जो ठीक है। और DCE क्या है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर, यानी यहाँ पे आपके यूजर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास DTE एंड है। और DCE एंड क्या है, जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। अब ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, CSU DSU स्टैंड फॉर चैनल सर्विस यूनिट डाटा सर्विस यूनिट। जो आपके पास CSU DSU है ये आपके पास चैनल सर्विस यूनिट और आपकी डेटा सर्विस यूनिट बनती है, ठीक है। अब आपके पास चैनल सर्विस यूनिट में और डेटा सर्विस यूनिट में क्या डिफरेंस होता है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, अभी हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब भी आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपका जो वन एंड होगा वो आपका DTE एंड होगा और जो आपका दूसरा एंड होगा वो आपके पास DCE एंड होगा, यानी DCE एंड आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको सर्विसेज दे रहा है और DTE आपका वो एंड होगा, ठीक है, जो ठीक है वो आपका यूज़र एंड होगा जो आपसे सर्विसेज ले रहा है, जो आपकी सर्विसेज को लेके नेटवर्क के ऊपर यूटिलाइज कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि राउटर, मैंने आपको ये सारे आपके डिफरेंट टाइप हैं, ये आपके वैन सीरियल आपके डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस हैं। आप देख रहे हैं कि जो राउटर के कनेक्शन है, एक आपके पास क्या है EIA TIA 232, ये एक वैन का केबल का स्टैंडर्ड है। अब EIA TIA 449 है, इट्स अ V.35, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टैंडर्ड, X.21 और EIA 530। अब अगर आपके राउटर में
आपके पास जो सर्विस है वो वीडर 35, ये आपका राउटर है, इसमें जो सर्विस आपके पास है वो वीडर 35 की है, लेकिन सर्विस आपके पास है ठीक है, लेकिन राउटर में वीडर 35 की पोर्ट ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? क्या आपके पास केबल भी है, आपके पास सर्विस भी है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यही बात मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी मैंने आपको बताई थी कि ये जो आपका मीडिया मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास केबल नहीं है और राउटर है सर्विस है तब भी बेकार है, अगर केबल है ठीक है सर्विस भी है राउटर में पोर्ट नहीं है तब भी बेकार है, केबल है सर्विस है राउटर ही नहीं है तब भी बेकार है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपने ये देखना होता है कि जब आप अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं, जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको किस टाइप की केबल चाहिए, आपको कौन सा कनेक्शन चाहिए, आपने लिंक किस तरह करना है नेटवर्क को, नेटवर्क की सर्विसेज को आपस में रिलेट किस तरह करना है, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी आपको डिज़ाइनिंग में पता होना चाहिए। जब तक आपके पास आपको ये पता ही नहीं है कि डी टी एंड क्या है, डी सी एंड क्या है, आपके पास केबल कौन सी है, केबलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, नेटवर्क का टर्मिनेशन पॉइंट क्या कहाँ पे होगा, नॉक रूम कहाँ पे लगा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जब तक आइडिया नहीं होती तब तक आप अपनी वैन की सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट आपके पास जो है सीरियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी टी ई वर्सेज डी सी ई। अब ये कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि वैन आपके जितने भी आपके वैन डिज़ाइन किए जाते हैं उन तमाम में ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में ये आपको यूज होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्या है, डेटा टर्मिनल जो मैंने पीछे बात की थी, और दूसरा क्या है, डेटा कम्युनिकेशन, ये क्या था, एंड ऑफ द यूजर्स डिवाइस ऑन द वैन लिंक, यूजर डिवाइस का जो एंड होता है वो आपका वैन लिंक, और ये क्या है, एंड ऑफ द वैन प्रोवाइडर साइड ऑफ द कम्युनिकेशन फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉकिंग, जितनी भी आपकी की हो रही है, ये आपका देखें डी टी और डी सी का एक सेशन है, ये इसको मॉडम भी कहते हैं, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर या चैनल सर्विस यूनिट डेटा सर्विस यूनिट। अब आप देख रहे हैं कि ये एक डी टी है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये आपका इस्लामाबाद कॉम्सेट्स का है, ये डी सी ई ठीक है जो अब, और ये आपका इंटरनेट का मेन क्लाउड है, जो आपका क्लाउड होता है ठीक है वो क्या होता है उसको इंटरनेट भी कहते हैं, और ये आपके पास देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो आपके स्विचेज हैं, ये एक स्विच यहाँ लगा है यहाँ लगा है, ये आपके डिफरेंट इसमें वो लगे हुए हैं, ये आपका डी सी ई है और ये दूसरा एंड आपके पास क्या है डी टी ई है। डी टी ई और डी सी ई क्या है, द पॉइंट वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी पासिस, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका जितना भी डाटा है ट्रांसमिट हो रहा है सेंड हो रहा है ठीक है जी। अब देखें कि जब भी दो डी टीज ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो दरमियान में दो डी सीज लाजमी आ रहे हैं, किस तरह कि अगर ये डी टी जो है ये इस्लामाबाद का है कॉम्प्यूटर का नेटवर्क, ये जो इसका मेन प्रोवाइडर है, जिस तरह आप चैटिंग करते हैं, आपने अगर माइक्रो नेट से कनेक्शन लिया हुआ है या पीटीएल से कनेक्शन लिया हुआ है, तो आप जब मेल करते हैं तो वो जो उसका जो आपका स्विचिंग सेंटर है वहाँ जाएगा आपका मैसेज, और वहाँ से ये आपका क्लाउड है, वहाँ से बहुत पाथ फाइंड करेगा, फाइंड करके जो दूसरे एंड का जब कॉम्सेट इस्लामाबाद ने लॉ के साथ कम्युनिकेट करना है, तो जो इसका सर्विस प्रोवाइडर है ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे ये इसकी पाथ सिलेक्शन करेगा, वहाँ पे राउटिंग भी यूज़ हो रही है, स्विचिंग भी यूज़ हो रही है, हम जब राउटिंग और स्विचिंग को देखेंगे तो वहाँ आपको बताऊँगा कि पाथ सिलेक्शन किस तरह होती है। तो वो फाइंड करेगा, फाइंड करके जो लाहौर का डी सी है वहाँ तक पैकेट पहुँच जाएगा, वहाँ से वो पहुँच जाएगा डी टी तक। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो आपके पास कंसेप्ट आ रहा है कि जब भी आप अपने दो डी टी ईज को आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इन बिटवीन दो डी सीज आपके लाजमी यूज होंगे, ठीक है, यानी डेटा कम्युनिकेशन जो आपका इक्विपमेंट है दो डी सीज आपके लाजमी यूज होंगे, तो फिर आपका ये यहाँ से जो आपका डाटा है ये ट्रांसमिट हो रहा है आपके पास यहाँ पे, तो इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन बिटवीन आपको कितने डी सीज चाहिए, यू नीड टू डी सीज बिटवीन टू डी टीज, जब भी आपने दो डी टीज को आपस में कम्युनिकेट करना है तो आपको इन बिटवीन टू डी सीज चाहिए, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे इस्लामाबाद है और ये पास लाहौर है, इसने यहाँ पे इस्लामाबाद के सर्विस प्रोवाइडर के साथ लिंक किया, मैसेज आपका क्लाउड पे चला गया और क्लाउड ने यहाँ सेंड किया एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं डी टी ई की और डी सी ई की, तो इस तरीके से हम अपने इसको लिंक कर रहे होते हैं, आपस में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं डी टी ई को और डी सी ई को। अब नेक्स्ट जो आपके पास कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है फिक्स डिवाइसेस का
और दूसरी है मॉड्यूलर डिवाइसेस का। अब मैं फिक्स्ड डिवाइसेस से पहले आपको एक लेमैन वाले एग्जांपल की तरफ चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप सिस्टम लेते हैं, उसमें एक मदरबोर्ड आपने लिया है, वो बिल्ट इन मदरबोर्ड है, उसमें साउंड कार्ड भी बिल्ट इन है, उसमें वीजी भी बिल्ट इन है, उसमें आपका नेटवर्क कार्ड बिल्ट इन है, हर चीज़ बिल्ट इन है, ठीक है। अब आपने उसमें एक वायरलेस कार्ड लगाना है, ठीक है, तो अब आप उसमें वायरलेस कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंसर्ट कर सकते? कि उसके अंदर कोई भी इंटरफेस एम्प्टी नहीं है कि जिसके ऊपर आप अपना एक्स्ट्रा कार्ड यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि सारे का सारा जो मदरबोर्ड है वो बिल्ट इन है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर आप अपना उस कार्ड को जो है लिंक कर लें या उस कार्ड को यूज़ कर लें, ठीक है जी। अब आपके लिए यानी वो सिस्टम वायरलेस कार्ड की सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो पोर्ट ही अवेलेबल नहीं है। जब पोर्ट ही अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए वो सिस्टम बेकार हो गया, ठीक है। वैसे ही आप लैपटॉप लेते हैं और आपके अगर लैपटॉप में भी वायरलेस कार्ड नहीं है, क्योंकि जो पुराने लैपटॉप आए हैं पेंटियम 3, पेंटियम 4, उसमें RJ45 तो है, ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप उसके अंदर जो है वो वायरलेस कार्ड लगाएं, तो अब वायरलेस कार्ड जो आपने लगाना है या लिंक करना है वो कैसे लिंक करना है? तो अब वो जो आपके पास वायरलेस कार्ड है, ठीक है, वो उसमें तो पोर्ट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसा लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि ये आप लैपटॉप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये पोर्ट आप देख रहे होंगे, ये पोर्ट आपके पास जो RJ45 पोर्ट है, ये पोर्ट आपके पास RJ11 जो भी हम पढ़ रहे थे, ये आपके लैपटॉप में ये जो पोर्ट है ये RJ45 है और ये पोर्ट आपके पास RJ11 है, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक छोटी सी स्लॉट दी हुई है, ये देख रहे हैं, जब आप इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं तो ये आपका वो मॉड्यूल है, ये वो मॉड्यूल है, इसके अंदर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कार्ड लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये मॉड्यूल इसमें ना होता, ये सारा फिक्स होता, तो हम इसे कहते हैं कि ये फिक्स लैपटॉप है, हम इसके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल जो है वो नहीं लगा सकते। तो ये जो आपके पास डिवाइस है, ये आपके पास जो फिक्स और जो आपके पास जो डिवाइस होती है, मॉड्यूलर डिवाइस होती है, ये आपने ये एम्प्टी कार्ड है, आपने वायरलेस कार्ड लगाना है, आपने कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, तो वो आप इस डिवाइस के अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो जो आपके पास मॉड्यूल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर आप मॉड्यूल लगा के इन शॉर्ट ये है कि उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिवाइसेस फिक्स डिवाइसेस होती हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आ जाएं वापस, ये आपके पास एक राउटर है, ठीक है, जब भी राउटर को आप यूज़ करते हैं, एक तो उसका पावर का बटन हो जाएगा जिसको आप ऑन और ऑफ कहेंगे, ये आपके पास वो पावर बटन है, ठीक है, ये आपके पास वो स्विच है ऑन और ऑफ, ठीक है, ये आपके ऑक्सिलरी पोर्ट है, ये आपके पास इसकी कंसोल पोर्ट है और ये बीआरआई पोर्ट है। किसी भी राउटर को यूज़ करने के लिए, नेटवर्क के ऊपर उसको इस्तेमाल करने के लिए, जो आपके पास मेन पोर्ट होती है वो आपके पास कंसोल पोर्ट होती है। कंसोल वो पोर्ट होती है कि किसी भी राउटर को अगर आपने ऑन करना है, ऑफ करना है, तो उसके अंदर जो अगर हम यहाँ देखें तो कंसोल पोर्ट के जो होती है इसको हम रोल ओवर पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे जो अगर केबलिंग है, मैं आपको चलें वापस जाके एक चीज़ बताता हूँ, ये 1 to 8 और 1 to 8 देख रहे हैं, तो जो रोल ओवर केबल होती है वो 1 और यहाँ पे 8 आएगा, यानी यहाँ का जो फर्स्ट है इस एंड पे 8 आएगा, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे 6 आएगा, जो 4 है वहाँ पे वो, तो यानी वो एग्जैक्टली वाइस वर्सा होती है। अगर इस एंड पे 1 है तो दूसरे एंड पे 8 होगा, अगर इस एंड पे 2 है तो दूसरे एंड पे 7 होगा, अगर यहाँ 3 है तो वहाँ पे 6 होगा, तो उसको आप कहते हैं रोल ओवर केबल या कंसोल केबल कहते हैं आप। तो ये जो आपके पास कंसोल पर केबल है, ये 1 एंड तो आपके पास जो होती है ये RJ45 होती है और दूसरा एंड इसका DB9 होता है, DB9 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 9 मीन्स में 9 पिन होती है। आपको याद है कि ये तो अब हम यूज़ कर रहे हैं वायरलेस माउस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी वाइड एक तो आपके माउस जो आजकल आप जो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं USB माउस है, इससे पहले आपको याद होगा 3-4 साल पहले काम 1 आते थे, जो आपके माउस काम 1 पोर्ट पर लगता था, उसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर आपका माउस की केबल उतरी हुई है, सिस्टम ऑन कर लिया है, तो अगर आप लगाएंगे तो फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता था, क्योंकि वो सिस्टम उसको प्लग नहीं करते, जिसको हम आप जो हम कहते हैं ना कि प्लग एंड प्ले,
तो प्लग एंड प्ले क्या होता है कि अगर सिस्टम ऑन कर भी लिया आप उसको किसी भी टाइम पे आप उसको लगाएंगे तो सिस्टम आपका उस डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं थी, तो वो जो आपके पास केबल वाला माउस था जो काम वन पे लगता था, मैं यूएसबी माउस की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो आपके पास TB9 की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर जो आप देख रहे हैं इस तरह की कुछ पोर्ट होती थी, ये तो आपका 15 पोर्ट्स वाला है ना, उसके अंदर आपकी 9 पोर्ट्स होती थी। तो वो जो आपकी 9 पोर्ट्स होती थी वो उसको हम बोलते थे DB9। DB9 स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, बॉक्स से मुराद ये थी कि उसमें 9 पिन होती थी। तो वो जो वन एंड आपका यहाँ जो आपका इसमें वन एंड है वो आपका लग जाएगा कंसोल के अंदर, और जो आपका दूसरा एंड है वो आपका लग जाएगा आपकी जो डिवाइस है जो आपका सिस्टम है वो वहाँ पे लग जाएगा। और फिर आप इसको विंडोज़ में अगर आप बात करें तो विंडोज़ में एक होती है यूटिलिटी जिसको बोलते हैं हाइपर टर्मिनल, लाइनक्स में होती है पुटी, ठीक है, शेल, ठीक है, हम इसकी लैब करके आपको बताऊंगा मैं। तो आप उसके थ्रू आप इस राउटर को या स्विच को कन्फिगर कर सकते हैं। ये जो आपके ग्लरी पोर्ट होती है, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, डिवाइस आपकी लाहौर पड़ी है या कराची पड़ी है, अगर आपने अपनी डिवाइस को रिमोटली कन्फिगर करना है तो फिर जो आप चीज़ यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं एक्सिलरी पोर्ट यूज़ करते हैं। यानी जो आपकी एक्सिलरी पोर्ट है वो आपकी कब यूज़ होगी कि जब आपने अपनी डिवाइस को रिमोटली कन्फिगर करना है। तो दूसरा एंड के आपके पास एक्सिलरी, ये जो थर्ड पोर्ट है जो हम पढ़े थे ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये अगर आपने वैन का लिंक यूज़ करना है तो आप तब यूज़ करेंगे। ये दो आप जो पोर्ट्स देख रहे हैं ये दो आपकी सीरियल पोर्ट्स हैं, इनको हम DB60 भी कहते हैं। DB60 क्यों कहते हैं कि इसके अंदर जो पिन्स होती हैं वो 60 पिन्स होती हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके अंदर आपकी 60 पिन्स हैं, ठीक है। लास्ट आप देख रहे हैं AUI, ये आपकी अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस है। जिस तरह मैंने कहा था कि जिन राउटर में, कुछ राउटर तो ऐसे हैं कि जिनमें RJ45 आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, अगर जिन राउटर्स में आपके पास RJ45 की डायरेक्ट पोर्ट जो अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं DB15। अब ये इसमें जो पोर्ट है इसका नाम क्या है, ठीक है, AUI से क्या बनता है, AUI स्टैंड फॉर अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। तो अब इसका जो वन एंड है यहाँ पे आप यूज़ करेंगे अपना ट्रांसीवर यूज़ करेंगे, वो जो ट्रांसीवर होगा उसका जो वन एंड होगा वो आपका DB15 होगा, और जो दूसरा एंड होगा जो होगा वो आपका RJ45 होगा। तो आप जब इसको यहाँ पे लिंक करेंगे, यहाँ पे जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास जो वन एंड है वो आपके पास यहाँ पे होगा DB50 और दूसरा एंड होगा RJ45। तो ये जो इथरनेट पोर्ट है, अगर आप इस राउटर को अक्रॉस द नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं तो आपने वन एंड इसमें लगा दिया और दूसरा एंड आपने जाके स्विच पे लगा दिया। अब यहाँ पे आप उसको एक लॉजिकल IP एड्रेस भी साइन करेंगे। IP एड्रेसिंग क्या होती है पूरा चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी आपने यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज़ IP एड्रेस, ठीक है। तो वो जो आपका IP एड्रेस है वो आपने इसको आपने यहाँ पे दे दिया, तो आप इस राउटर को जो अक्रॉस द नेटवर्क डिफरेंट यूजर्स यूजिंग टेलनेट जो एक्सेस कर सकते हैं, और एक यानी किसी भी सिस्टम के ऊपर बैठ के वो अगर टेलनेट करके इसका IP एड्रेस देता है तो वो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, और अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड उसको ठीक दे दिया है तो वो आपका सेशन जो एस्टेब्लिश कर देगा और इसको लिंक कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम जो आपका का है इसके अंदर कि जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए, और अगर किसी हैकर ने इसको हैक कर लिया तो वो आपकी तमाम की तमाम जो भी सर्विसेज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डाटा कॉपी कर सकता है। और आप फ़ायदा ये है कि आप इस एक राउटर को एक वक्त में 5 डिफरेंट लोकेशन से लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो टेलनेट है उसके जो मैक्सिमम सेशन बनते हैं वो आपके 5 सेशन बनते हैं। तो वो जो 5 सेशन होते हैं उन 5 सेशन के थ्रू आप इस राउटर को जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास राउटर के अंदर कितने बन गए सेशन, फर्स्ट क्या हो गया जी आपके पास, एक मिनट, जो जी फर्स्ट क्या हो गया आपके पास, जो हो गया
कि एक होगी आपके पास कंसोल पोर्ट होगी। कंसोल आपकी वो मेन पोर्ट है कि जब भी आपने फर्स्ट टाइम राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, पासवर्ड लगाने हैं, सारा कुछ करना है, तो वो आपके कंसोल सेशन से होगा, यानी वन एंड यहाँ लग जाएगा, दूसरा एंड आपके पीसी में DB9 पोर्ट के ऊपर लग जाएगा। सेकंड सेशन कौन सा है? आपका एक्सिलरी सेशन है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और राउटर आपका रिमोटली कहीं और पड़ा हुआ है, अगर आपने उसको एक्सेस करना है, तो वो आपका एक्सिलरी पोर्ट है जिसको RJ45 के थ्रू लिंक होगा। थर्ड ये है कि अगर आपने इसको वैन या लैन पे इसको मल्टीपल लोकेशन से, मल्टीपल रिसोर्सेज से इसको यूज़ करना है, तो फिर आपके पास क्या होगा? फिर आप यूज़ करेंगे AUI यूज़ करेंगे, ठीक है, या आप उसमें AUI यूज़ करेंगे, या आप उसकी जगह RJ45 यूज़ करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, RJ45 भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें AUI भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके लेटेस्ट जितने भी राउटर्स आ रहे हैं, आपकी जितने भी डिवाइसेस आ रही हैं, उन तमाम में आपके पास जो है वो RJ45 भी यूज़ होता है, उसमें वो आपके पास जो है वो बाकी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। तो ये आपके पास क्या हो गया? अब इसकी आप ये देख रहे हैं कि जो आपकी सीरीज है, ये आपका 2500 सीरीज का राउटर है, और ये जो सीरियल पोर्ट्स हैं, जब भी आपने राउटर टू राउटर कम्युनिकेट करवाना है, जब आपने दो राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, दो राउटर्स को आपस में लिंक करना है, तो फिर जो आपका चैनल बनता है, जो कम्युनिकेशन का चैनल बनता है, उसको आप बोलते हैं वैन कनेक्शन, या बिटवीन टू राउटर्स, या उसको बोलते हैं सीरियल कनेक्शन। तो वहाँ पे जो आप अपनी केबल यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप अपनी DB60 की केबल को यूज़ करेंगे। जब भी आपने राउटर टू राउटर या वैन टू वैन कम्युनिकेशन करवानी है, तो आपके पास जो है वो सीरियल लिंक होगा। अब यहाँ पे जो बात बताना चाह रहा था, ये देखें, ये फिक्स है, इसमें आप कोई पोर्ट, ये फिक्स राउटर है, कोई और पोर्ट ऐड नहीं कर। अब आप इसके साथ मैक्सिमम कितने राउटर्स कर सकते हैं अटैच? अगर आप इसको देखें तो इसमें जो मैक्सिमम आपके राउटर्स के इतने होंगे आपके अटैच होंगे, इसमें आपके राउटर्स होंगे सिर्फ टू राउटर्स आपके अटैच होंगे, इससे ज़्यादा आप, क्योंकि वो पोर्ट ही दो हैं। अब अगर आपने इसके साथ तीन राउटर लगाने हैं, तो या तो आप ऐसी डिवाइस परचेज करेंगे जिसमें ये तीन पोर्ट्स हों, ठीक है, और तो कोई मेथड नहीं है। लेकिन अगर इसके इंस्टेड आपने मॉड्यूलर राउटर परचेज कर लिया, यानी शुरू में इसमें आप ये देख रहे हैं, जिस तरह आपको ये मॉड्यूल बताया था कि ये एक आपके पास जो ब्लैंक मॉड्यूल है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जस्ट लाइक ये आपके दो मॉड्यूल ब्लैंक पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर आपने, ठीक है, इस राउटर को वैन के साथ लिंक करना है और आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें इस स्लाइड में क्या देखा है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितनी पोर्ट्स हैं, टू पोर्ट्स हैं, और आपने अगर यहाँ पे तीन राउटर लगाने हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको राउटर चेंज करना पड़ेगा, पूरे का पूरा का जो नेटवर्क डिज़ाइन है वो चेंज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है, कॉस्टिंग आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपने जो पहले जो आपने राउटर बाय किया हुआ था, उसमें देर आर टू ब्लैंक मॉड्यूल्स, तो अब आपने जस्ट उस कंपनी से एक मॉड्यूल बाय कर लिया जो आपका सीरियल मॉड्यूल है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ राउटर को इंक्रीज करना है, तो जो आपके नंबर ऑफ राउटर जो हैं, जब वो इंक्रीज होंगे, तो वो किस तरह इंक्रीज होंगे कि ये जो आपकी आप ये जो पोर्ट्स देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सारी वो पोर्ट्स हैं, जब आप ये एक मॉड्यूल लगा देंगे, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप टोटल कितने मॉड्यूल्स इसके साथ इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी डिवाइसेस आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं, 8 डिवाइसेस आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि ये आपके पास जो है क्या है कि ये आपका वो मॉड्यूल है, तो आप जब भी कोई डिवाइस बाय करें, माइट बी ड्यूरिंग द बाइंग, आपको जो फिक्स राउटर है वो अगर मिल रहा है, फर्ज किया 2 लाख का, तो जो मॉड्यूल है जिसमें मॉड्यूल आप फ्यूचर में लगा सकते हैं, माइट बी वो 225 का हो या 230 का हो, लेकिन उस टाइम पे आपको वो 25,000 या 30 कास्ट या 30,000 कास्ट सेव नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको मॉड्यूलर राउटर बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आप उसमें कोई भी मॉड्यूल लगा सकते हैं, वॉइस का, वीडियो का, ठीक है, तो फास्ट इंटरनेट का लगा सकते हैं, गीगाबिट लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप जिस तरह आपने ये एग्जांपल देखी, यहाँ पे हमने कौन सा मॉड्यूल लगाया है, हमने यहाँ पे हमने मॉड्यूल जो लगाया है वो आपका सीरियल मॉड्यूल था, ठीक है जी। तो ये आज का जो हमारे पास जो लेक्चर था, जिसमें हमने ये देखा है कि केबलिंग क्या होती है, कनेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिक्स डिवाइसेस क्या होती है, मॉड्यूलर डिवाइसेस क्या होती हैं, अभी हम साथ इसकी थोड़ी सी लैब भी देख लेते हैं, पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को मैं साथ लेके आया हूँ कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, और सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ उसकी हम देखेंगे कि उसको किस तरह इंस्टॉल करना है, और उसमें कुछ जो सिंपल डिवाइसेज हैं, केबल्स हैं, आपको वो शो करूँगा, फिर हम इसको फर्दर लेक्चर्स में बाकी चीज़ें भी साथ साथ देखेंगे। तो ये इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं।
है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि आपके इथरनेट के स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, अगर आपने ये केबल यूज़ करनी है, क्रॉस किस तरह यूज़ करनी है, तो ये इसके कुछ आपके रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको बेटा आप लाजमी देखिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को साथ यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आप देखें, ये आपके पास पैकेट ट्रेसर का सेटअप पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाता है, वेलकम टू द सिस्को पैकेट ट्रेसर 5.3.3, ये इसका वर्जन नंबर है। कैंसिल करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे आप, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ये इसका एग्रीमेंट है। अब अगर आप इस एग्रीमेंट से जो है वो विलिंग नहीं है तो फिर इसको मत सॉल्व करें, और अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। आपने किस जगह इसको इंस्टॉल करना है, जो पाथ है आप वो पाथ दे दें, मैं इसको डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, इसका अगर नाम आपने कोई और रखना है तो नाम चेंज कर सकते हैं, मैं इसका नाम वही रखता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर, नेक्स्ट। और अगर आपने डेस्कटॉप पे आइकन बनाना है कि नहीं, अगर बनाना है तो उसको टिक कर दें, नहीं बनाना तो इसको यहाँ पे आप अनचेक कर दें, नेक्स्ट करें। देन आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन करनी है तो आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दें, तो ये आपका अब पैकेट ट्रेसर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है। आफ्टर द इंस्टॉलेशन ये आपकी जो डिफरेंट फाइल्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इंस्टॉलेशन हो रही हैं। सी ड्राइव में हमने इसको कहा था, सी ड्राइव में ये इसको इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ से हमने इसको ओके किया, इसको हमने यहाँ पे फिनिश किया, तो ये आपके पास पैकेट ट्रेसर का ये इंस्टॉल होके आ गया आपके पास। अब ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ये सारी, ये आपके पास क्या है, ये आपकी एंड डिवाइसेस हैं, ये आपके सारे के सारे राउटर एग्जांपल्स के, मैं किसी एक राउटर को पिक करता हूँ, मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, ये आपके स्विचेज आ जाते हैं, ये देखिए ये आपके पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्विचेज हैं, ये आपके राउटर आ गए, ये आपके क्या हैं, ये आपकी सारी केबल हैं। आपने जो जितनी केबल्स पढ़ी हैं ये आपने देखे, इसके नीचे क्या आ रहा है, ये आपकी कंसोल केबल है, ये आपकी स्ट्रेट केबल है, ये आपकी क्रॉस केबल है, ये आपकी फाइबर रेफर्स किया कि यहाँ से मैं कुछ डिफरेंट पीसीस भी ले लेता हूँ, ये एक लैपटॉप ले लिया। अब अगर मैं इसमें अब पीसी टू स्विच मैंने केबल यूज़ करनी है तो कौन सी केबल होगी, क्योंकि दो डिफरेंट डिवाइसेज हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी डिफरेंट डिवाइसेज हैं उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे, ये लिंक किया, जब इसमें मैं डबल क्लिक किया तो ये आपके सिस्टम में भी इसी तरह, अगर आप बैकएंड पे देखें, अगर आपने उसमें नेटवर्क कार्ड लगाया हुआ है तो आपके पास नेटवर्क कार्ड की पोर्ट आ रही होती है जिसको हम RJ45 कहते हैं, इसको मैंने यहाँ लिंक किया तो ये केबल आपके यहाँ पर ड्रॉ हो गई। मैं यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास स्विच की डिफरेंट पोर्ट्स हैं, मैं इसको फर्ज किया यहाँ पर लिंक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक या मैं स्ट्रेट केबल बन गई। मैंने अगर इस लैपटॉप को लगाना है, लिंक किया तो ये मेरे पास लैपटॉप लग गया। जब मैंने राउटर टू स्विच यूज़ करना है तो या मैं ये करता हूँ कि एक स्विच यहाँ पे मज़ीद ले लेता हूँ, इन दो स्विचेस को अगर मैंने आप इसमें लिंक करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की केबल्स आ रही हैं, इसमें स्ट्रेट केबल है, आपकी कंसोल केबल है और आपकी जो क्रॉस केबल है, तो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ कि जो आपके पास यहाँ पे क्रॉस केबल किधर गई जी, ये आपकी क्रॉस ओवर है, ये मैंने लिंक कर ली, ये आपके पास क्रॉस केबल है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक नेटवर्क बन रहा है। हम आज के लेक्चर में अगर आप इसकी हेल्प चाहें तो आप यहाँ पे जाके इसमें पूरे के पूरे इसके ट्यूटोरियल्स हैं, ये हम सारे के सारे आप यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ किस तरह यूज़ हो रही है। मैं आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव था कि आपको मैं बता सकूँ कि पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल किस तरह करना है, केबल की टाइप्स क्या हैं। अब आप बेटा की सारी थ्योरी पढ़ें, डिस्कस करें, इसको इंस्टॉलेशन करें, हम इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी पूरी राउटर की लैब भी करेंगे, इसके जितना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सीखेंगे। अब अगर आपने किसी डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करना है तो क्या किस तरह करेंगे आप, जस्ट आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो अब ये देखें, ये आपके पास जो है यहाँ से आप इसको नो करें तो ये आपके पास इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तो हम इसका
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस तरीके से करना है, उसमें क्या कमांड्स हैं। इंशाल्लाह ताला हम जब अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि आपका जो पैकेट ट्रेसर है इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह ताला ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी आपने देखा है कि ये जो आपके दो इसमें ग्रीन लाइन्स आ रही हैं, इट मीन कि इसमें ये केबल ठीक लगी हुई है। यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रेट केबल यूज़ की, यहाँ पे हमने स्ट्रेट केबल यूज़ की क्योंकि ये दो डिफरेंट डिवाइसेस थी, और यहाँ पे हमने अपनी सेम केबल यूज़ की है क्योंकि ये दो आपकी सेम डिवाइसेस थी। ठीक है जी, तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम पैकेट ट्रेसर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसकी लैब्स को डिस्कस करेंगे, और वहाँ से आगे हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।